सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स माई डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आई एम योर फ्रेंड योर कंपेनियन चित्रांश दादिज और आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास इलेवेंथ का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी वी कैन ऑल बी टुगेदर तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्यों इस चैप्टर के टाइटल में ही इस तरह की बात की जा रही है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी साथ में हैं तो चलिए तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं वी आर नॉट अफ्रीड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है एक स्टोरी को लिखा है एक एक्सपीरियंस को उन्होंने लिखा है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार एक फैमिली जो है लंबे समय से एक समुद्र यात्रा पर जाने का सपना देख रही है और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया और जब वो अंततः लास्ट में जाकर के समुद्र यात्रा पर निकलते हैं तो वहाँ जाने के बाद उन्हें किस तरह की मौसम संबंधित जो परेशानियाँ हैं उसका सामना करना पड़ता है और कैसे साहस से और सूझबूझ से वो उन परिस्थितियों का सामना करके स्वयं को और अपने परिवार की रक्षा करते हैं बस इसी बारे में इसी पॉइंट के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी चलने वाली है लेकिन फिर से जैसा कि हम लोगों ने हर चैप्टर में देखा है कि हम लोग कहानी पढ़ते नहीं है उसका ट्रांसलेशन नहीं देखते बात है उसे महसूस करने की उसे फील करने की कि आप अगर वहाँ हैं आप अगर उस परिस्थिति में हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या आप किस तरीके से अपनी सूझबूझ से उससे निकलेंगे ठीक है गाइस तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि मुश्किल वक्त जो है वही एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण करता है मुश्किल व्यक्ति ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करता है ठीक है गाइस यही बात नेल्सन मंडेला ने भी कही है यही बात जो है महात्मा गांधी ने भी कही है कि एक व्यक्ति का जो निर्माण है वो उसकी विपरीत या मुश्किल परिस्थितियों में ही उसका निर्माण होता है ठीक है गाई? तो चलिए शुरू करते हैं इन जुलाई 1976 जुलाई 1976 में माय फाइफ माई वाइफ मैरी मेरी पत्नी मैरी जो है सन जोनाथन मेरा बेटा जोनाथन जो कि छः साल का है डॉटर सुजैन और डॉटर जिसका नाम है सुजैन वो सात साल की है एंड आई और मैं खुद अब यहाँ पर हम जो पूरी की पूरी कहानी देखने वाले हैं वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सेलर कौन है नाविक जो नाव को चलाने वाला है और इसके अकॉर्डिंग क्या है परिवार का मुखिया है यानी कि फैमिली में जो पापा वाली पोजिशन होती है ना वहां से हम इन सारी चीजों को देखने वाले हैं आई सेट सेल फ्रॉम प्लाइमाउंट इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वे मेड टू हंड्रेड अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक यानी कि यहां पे क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने जहाज को लेकर के यात्रा करना शुरू किया फ्रॉम प्ले माउंट इंग्लैंड प्ले माउंट इंग्लैंड नाम की जगह से टू डुप्लीकेट यानी कि उसी पूरी की पूरी राह को या उसी पूरे के पूरे रास्ते को दोहराने के लिए या उस घटना को दोहराने के लिए द राउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरा विश्व का चक्कर लगाने के लिए वयाग मेड जैसे कि सबसे लंबी समुद्री यात्रा जो है वो की गई थी 200 साल पहले किसके द्वारा की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ये यात्रा की गई थी तो अब आज हम चाहते हैं वापस कब 1976 में कि इस यात्रा को या इस घटना को फिर से दोहराया जाए और हम इस बार क्या है पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएंगे तो ऐसा विचार करके वो शुरुआत करते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सबसे लंबे समय से मैरी एंड आई अ 37 सेवन ईयर ओल्ड बिजनेसमैन मैरी और मैं जो एक सैंतीस साल का व्यवसायी है बिजनेसमैन है हेड ड्रेम्ड हमने सपना देखा है ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर यानी कि एक ऐसा सपना देखा है कि हम एक नौका की यात्रा करना चाहते हैं हम सेलिंग करना चाहते हैं इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट सिक्सटीन ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आर लीजर टाइम हॉनिंग आर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स और इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि सबसे प्रसिद्ध खोज बीज कर खोजबीन करने वाले यानी कि जैसे आप लोगों ने एक फेमस एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा जिनका नाम है वास्को डिगामा वास्को डिगामा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो भी इसी तरीके की लंबी लंबी समुद्र यात्राएं करते थे और समुद्र यात्रा करने के बाद में वो नए नए तरीके नए नए रास्तों का पता लगाते थे जिससे किसी दूरस्थ भूमि पर जाया जा सकता है या दूरस्थ भूमि पर हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे तो वो भी ये भी उसी तरीके के फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंट हमने बिताया है ऑल आर लीजर टाइम यानी जितना भी हमारा खाली समय होता था वो हॉनिंग आर सी फायरिंग यानी कि हमारी समुद्री यात्रा करने का जो कौशल है उसे निखारने में स्किल इन ब्रिटिश वाटर यानी कि ब्रिटिश के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर हम बार बार जाते थे और अपनी समुद्री यात्रा का जो कौशल है कि एक समुद्र में किस तरीके से जीवित रहा जाता है विषम परिस्थितियों में भी उस कौशल को निखारने का हम लोग वहाँ पर काम किया करते थे ठीक है गाइस ये बात समझ में आई एक सैंतीस साल का बिजनेसमैन है अपनी पत्नी के साथ में वो क्या चाहता है वो फिर से एक फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहता है जैसे कि वास्को डिगामा थे बिल्कुल उसी तरीके से पिछले 16 साल से अपना पूरा खाली समय जो है वो कहाँ बिता रहा है वो आसपास के ब्रिटिश वाटर्स के अंदर समुद्र में गुजार रहा है ताकि वो अपनी सेलिंग स्किल्स यानी कि समुद्र यात्रा करते समय जिस कौशल की आवश्यकता पड़ती है उस कौशल को और बेहतर बना सके ठीक है अगर मुझे मैं अगर आज ये सपना देखता हूँ कि मुझे पूरे भारत का एक चक्कर काटना है दौड़ करके तो ऐसा तो है नहीं ना कि कल सुबह उठ करके और दौड़ना निकल जाऊँगा ये पॉसिबल नहीं होता मुझे टारगेट बनाना पड़ेगा कि डेली मुझे इतने घंटे दौड़ना पड़ेगा तब इतने दिनों में जाकर के ये जो मेरी यात्रा है पूरी होगी उसके लिए मुझे कम से कम तीन चार साल पहले पाँच साल पहले उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा कि डेली मैं उतना दौड़ूँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने आज टारगेट लिया है कि रोज़ मुझे सात सत्तर किलोमीटर दौड़ना है तो आज दौड़ना शुरू किया और आज से सत्तर दौड़ लूँगा दो से शुरू होगा चार छः आठ दस जब सत्तर तक पहुँचेगा तब मुझे लगेगा कि यार अब मैं तैयार हूँ और अब मैं अपनी जो भारत यात्रा है उस पर जा सकता हूँ बस यहाँ पर यही चीज़ कन्वे करने की कोशिश की गई है ठीक है गेस आगे बढ़ते हैं आर बोट वेव वॉकर अब बात आती है नाव की कि किस तरह की नाव ऐसी यात्रा के लिए चाहिए होगी ठीक है तो ये बता रहा है कि किस तरीके से वो नाव तैयार हुई है क्योंकि यात्रा इतनी विषम है तो नाव भी थोड़ी मजबूत चाहिए होगी हमारी बोट जिसका नाम है वेव वॉकर वेव वॉकर मतलब जो बड़ी बड़ी लहरों पर चलने वाली वेव्स का मतलब होता है लहरें और वॉकर का मतलब होता है चलना तो जो बड़ी बड़ी लहरों पर चलती है ऐसी नाव वेव वॉकर ठीक है अ 23 मीटर 23 मीटर लंबी 30 टन वुडन हुलेट और 30 टन की लकड़ी की बनी हुई है जहाज है ब्यूटी हुडन ब्यूटी का मतलब क्या होता है लकड़ी की बनी हुई सुंदर कृति यानी कि इतनी सुंदर नाव है हमारी जो कि लकड़ी से बनी हुई है हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड उसे व्यवसायिक तरीके से बनाया गया है जैसे प्रोफेशनल लोग बनाते हैं ठीक है प्रोफेशनली बिल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नाप चोप के साथ में नाव को बनाया जाता है बिल्कुल वैसे बनी हुई है एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड और हमने काफ़ी समय बिताया है काफ़ी महीनों बिताए हैं इसमें फिटिंग करने में यानी कि लकड़ी के टुकड़े तो कोई किसी से कटवा के मंगवा लिए लेकिन फिट हमने खुद ने की है और फिटिंग करने के बाद में हमने इसे टेस्ट भी किया है कई महीनों तक सबसे खराब मौसम में ले जा कर के जितना खराब से खराब मौसम हमें मिल सकता था ठीक है गाई? समुद्र की यात्रा जब आप कहीं देखते हैं तो बहुत ही सुखद लगती है लेकिन वास्तविकता में समुद्र या प्रकृति से संबंधित कोई भी यात्रा हो वो यात्रा वास्तविकता में इतनी सुगम नहीं होती कि आप बहुत आसानी से उस यात्रा को आराम से करके आ जाएं ठीक है वहाँ पर आपको बहुत सारी मौसम संबंधी या प्रकृति संबंधी जो समस्याएँ हैं उनका सामना करना पड़ता है तो सबसे जो खराब मौसम हमें मिल सकता था हम उसमें भी उस नाव को लेकर के गए ताकि हम इस नाव की जो कैपेसिटी है जो इसकी योग्यता है वो देख सकें कि कितने खराब मौसम को ये नाव सह सकती है या झेल सकती है वो भी हम लोगों ने कर लिया आगे क्या हुआ द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लैंड थ्री ईयर जो पहला कदम था जो हमने प्लान किया था अपने तीन साल की यात्रा के लिए अब ये यात्रा कितने समय की होने वाली है तो कुल मिलाकर के तीन साल की यात्रा होने वाली है तो इस तीन साल की यात्रा के लिए जो यात्रा कितने किलोमीटर की होने वाली है एक लाख हजार किलोमीटर की जो यात्रा होने वाली है पास्ट प्लेजेंटली ये गुजर जाए और आसानी से शांति से या खुशनुमा प्रसन्नता तरीके से एज वी सेल डाउन जैसे ही हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन और हम लोगों ने किस तरीके से नौका में यात्रा करने की प्लानिंग की थी कि हम वेस्ट कोस्ट जो है अफ्रीका का यानी कि अफ्रीका से होते हुए टाउन की ओर हम बढ़ेंगे देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट और वहाँ पर पूर्व में बढ़ने से पूर्व वी टुक ऑन टू क्रू मैन और वहाँ पर हमने क्या किया कि जब हम ईस्ट में बढ़े तो उससे पहले हमने दो जहाज चलाने वाले या नाव संचालक जो होते हैं जहाज़ संचालक जो होते हैं उन्हें और अपने साथ में जोड़ लिया हमारे साथ कौन कौन थे अमेरिकन व्यक्ति था जिसका नाम था लैरी विगिल और दूसरा स्विस व्यक्ति था जिसका नाम था हर्ब सेलिंजर टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी ताकि वो हमारी हमारा तथा हमारी नाव का ध्यान रख सकें और उधर से हमें यात्रा करवा सकें किधर की तरफ वर्ल्ड्स रफेस्ट यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा खतरनाक या भयंकर जो समुद्र है उधर की तरफ से कौन सा है द सर्दर्न इंडियन ओशन सर्दर्न इंडियन ओशन की तरफ से आगे बढ़ाने के लिए यानी कि पहले तो हम लोगों ने स्वयं ने यात्रा की उसके बाद में जब मुश्किल रास्ते वाला समय आया तो हमने अतिरिक्त मदद के लिए दो और लोगों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया ताकि हमारी यात्रा जो है वो आसानी से पूरी हो सके या फिर सेफली पूरी हो सके आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि वो यात्रा किधर करने वाले थे द सर्दर्न इंडियन ओशन की तरफ से वे लोग यात्रा करने वाले थे ऑन आर और ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रोंग गेल्स यानी कि जो हमारा सेकेंड डे था जब हम केप टाउन से बाहर निकले उसके अगले दिन हम लोगों ने सामना करना शुरू किया यानी हमारा सामना किनसे हुआ स्ट्रोंग गेल्स यानी कि तूफ़ानी हवाएं आप स्ट्राम भी यूज़ कर सकते हैं कि स्ट्राम से यानी कि तूफ़ान से या तूफ़ानी हवाओं से हमारा वहाँ पर सामना हुआ फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ सप्ताहों तक दे ब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली वे लगातार बहती रही गेल्स डिड नॉट वरी मी लेकिन ये जो तूफ़ानी हवाएं थी इन्होंने मुझे चिंतित नहीं किया इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया या इनकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई बट साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग लेकिन उन हवाओं के साथ में जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी वो चिंताजनक थी ठीक है जो बड़ी जो लहरें आ रही थी लार्ज वेव्स जो आ रही थी साइज जो था उन वेव्स का वो चिंताजनक था यानी कि मुझे उनको देख करके डर लग रहा था अप टू 50 मीटर्स क्योंकि वो 15 मीटर तक ऊंची थी एज हाई एज आर मेन मस्ट जितना ऊंचा हमारा मुख्य मस्तूल था मस्तूल क्या होता है गाइस देखिए कोई भी अगर नाव होती है ना तो उस पर ये जो प्रमुख डंडा सा लगा हुआ है ना बीच में ये तीन जो लगे हुए हैं ठीक है इसमें से फर्स्ट छोटा होता है सेकंड छोटा होता है फर्स्ट एंड लास्ट वाला बीच वाला जो है वो सबसे बड़ा होता है इसको मस्तूल कहा जाता है ठीक तो है तो इससे भी ऊंची या इसकी बराबर तक ऊंची जो है उतनी ऊंची लहरें हमें देखने को वहां पर मिल रही थी तो ऐसी लहरों को देख करके चिंता बढ़ रही थी कि अगर ये गलती से बोट वोट गिर जाए या शिप वगैरह पे गिर जाए तो हालत ख़राब है भाई ठीक है दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ फाउंड अस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स ईस्ट टू टाउन यानी कि पच्चीस दिसंबर तक हम पैंतीस सौ किलोमीटर ईस्ट की ओर जा चुके थे केप टाउन से डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर यानी कि इतना खराब बेरहम अत्याचारी मौसम की बात हो रही है। मौसम के होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे यानी कि इतना खराब मौसम था इतने खराब मौसम में इतनी बड़ी बड़ी लहरों के बीच में हम लोग सेल कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारा जो हॉलीडे था हमारी जो छुट्टियां थी वो बहुत मज़े से या बहुत अच्छे से कट रही थी कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री एक क्रिसमस ट्री के साथ में हमने अपनी क्रिसमस की छुट्टियां या 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाया जाता है उसे हमने शांतिपूर्वक और खुशी से उसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर और धीरे धीरे समय निकलते निकलते नववर्ष का दिन आ गया नववर्ष का दिन मतलब एक जुलाई का समय सॉरी एक जून का कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री और हमने अपने क्रिसमस ट्री के साथ में उसे बहुत अच्छे से बिताया न्यू ईयर्स डे एक जनवरी के दिन सो नो इम्प्रूवमेंट हमने किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट या सुधार नहीं देखा इन द वेदर मौसम में बट वी रीजनड लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर विचार किया तर्क लगाया कि भाई अभी तक मौसम सही क्यों नहीं हो रहा दैट इट हैड टू चेंज सून लेकिन हम लोगों ने क्या विचार लगाया कि जल्द ही मौसम अब ठीक हो जाएगा क्योंकि हम जिस एल्टीट्यूड से जा रहे थे जिस जगह से हम लोग निकल रहे थे प्लस जिस तरह का मौसम चल रहा था एक दिसंबर जो लास्ट वीक है उसका जो टाइम चल रहा था तो हमें लगा कि अब जब नया साल आ गया है थोड़ा सा अब मौसम बदलेगा तो वो सोच करके हमें ऐसा लगा कि बहुत जल्दी ही मौसम बदलने वाला है एंड इट डिड चेंज और ये मौसम बदला भी फॉर द वर्स यानी कि बदला तो सही लेकिन जितना अभी तक बुरा चल रहा था अब जो मौसम है वो इससे भी ज़्यादा बुरा हो गया यानी अभी तक तो मौसम बुरा ही था अब उससे ज़्यादा कंपेरेटिवली बुरा मौसम हो गया था जब हम होप कर रहे थे कि अब ये मौसम सही हो जाएगा एट डाउन ऑन जनवरी सेकेंड यानी कि जनवरी सेकेंड के शाम के समय में द वेव्स वर जिगेंटिक वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप यानी कि दो जनवरी के समय जो वेव्स थी जो लहरें थी वो बहुत ही और ज्यादा विशाल हो गई और ज़्यादा बड़ी हो गई जैसे कि कोई जाइंट हो जायंट का मतलब क्या होता है अति विशाल तो अति विशाल वे लहरें हो गई वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिम और हम जिस एक तिकोने बादमान जिसे तूफानी मौसम में प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग कर रहे थे हिंदी में समझा देता हूँ ऐसा तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप जिप किसे कहा जाता है हिंदी में समझते हैं पाल होती है ना पाल समझते हो कि एक नाव जो होती है उस नाव पे जो मसूता होता है उसके ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है ठीक है वो कपड़ा बहुत मजबूत होता है ठीक है कैनवास क्लॉथ जैसा होता है ऑलमोस्ट तो उसमें जब हवाएं टकराती हैं तो उससे नाव आगे या पीछे होती है ठीक है तो सही समय पर उसे खोला जाता है लेकिन हमारे पास जो जिप था हमारे पास जो पाल थी वो पाल कैसी थी वो छोटे मोटे तूफानों से लड़ने के लिए या छोटे मोटे स्ट्रॉम को सहन करने के लिए तो वो पाल ठीक थी उसके लिए उसमें कोई परेशानी नहीं थी एंड वर स्टिल मेकिंग एट नोट्स और उसके बाद भी हम उसे ठहराने के लिए उस पर आठ गांठे लगा रहे थे एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव जैसे जैसे हर लहर पे हर लहर पे सबसे ऊंचाई वाली जगह पर हमारा जहाज पहुंच जाता ईच वेव प्रत्येक वेव के ऊपर वी कुड सी एंडलेस एनरमस सीज हम अपने आगे विशाल और अनंत समुद्र को देख सकते थे क्योंकि हम सामान्य समुद्र से अगर हम बहुत ऊंची लहर के भी ऊपर हैं तो वहाँ से हमें समुद्र आगे तक और ज्यादा दिखाई देगा तो वहां तक हम लोग क्या देख सकते थे अनंत समुद्र को देख सकते थे एंडलेस सी को देख सकते थे रोलिंग टूवर्ड्स जो कि ऐसे घुमावदार होकर के हमारे ऊपर आ रहा हो एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड और तेज़ हवा चलने की आवाज़ इतनी तेज़ हवा चलने की आवाज़ कि आसपास दो लोग भी खड़े हों तो आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू दू द ईयर्स और उसी के साथ में जो स्प्रे था जो हवा के साथ में जो हमें पानी की बौछारें या आप कह सकते हैं छपाके जो लग रहे थे जिससे कानों पर चोट लग रही थी वो हमारे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे यानी कि जो कानों में पानी जा रहा था और तेज़ हवा की जो आवाज़ कानों में जा रही थी उससे हम ठीक से चीज़ों को सुन नहीं पा रहे थे या वो बहुत ही पेनफुल थी दर्ददायक थी कानों के लिए ठीक है गाइज तो अभी तक की एक बार सिचुएशन देख लेते हैं बहुत मज़ा आएगा पहाड़ों में घूमने चलेंगे बहुत मज़ा आएगा पहाड़ों में घूमने चलेंगे पहाड़ों में घूमने चले गए वहाँ पे ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है और पता चला कि लैंडस्लाइड शुरू हो गया और अब वहाँ जा कर के फंसे हुए हैं बस यही सिचुएशन है भैया यहाँ पे कि बहुत सभी लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग एक बहुत बड़ी समुद्र यात्रा पे जाएंगे एक्सप्लोरर बनेंगे बहुत फ़ेमस हो जाएंगे नाम होगा पैसा होगा शहरत होगी सब कुछ होगा लेकिन उसी दौरान समुद्र जो है प्रकृति जो है वो अपना विकराल रूप इन लोगों को दिखा रही है कि वो निर्दय होने पर कितनी निर्दयी हो सकती है तो वही इन लोगों के साथ हो रहा है कि यहाँ पे ये लोग इससे फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं लेकिन अभी तक जो बताया गया है वो ये है कि बड़ी बड़ी पंद्रह मीटर की उससे भी अब तो ऊंची-ऊंची जो हैं वो लहरें आ रही हैं उन लहरों से बहुत ज़्यादा खतरा है इनके पास जो पाल है जो एक कपड़ा लगा होता है बड़ा पाल वो इतना मजबूत नहीं है कि इस तरह के स्ट्रॉम से लड़ सके या इस तरह के स्ट्रॉम को बर्दाश्त कर सके लेकिन फिर भी उस पर सात आठ गांठे लगा करके उसको जैसे तैसे टिका के रखा हुआ है और जब ये अपनी किसी भी लहर के सबसे उच्चतम स्थान पे पहुंचते हैं उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ जाकर के इन्हें पता चलता है कि आगे देखने पे ऐसा लग रहा है कि पूरा विशाल समुद्र है अनंत समुद्र है जो कहीं से कहीं तक खत्म नहीं हो रहा और रोलिंग अप यानी कि बढ़ते हुए जैसे उनकी तरफ ही आ रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं साथ में जो हवा की आवाज़ है और हवा से लगने वाली स्प्रिंग है छपाके जो हैं उससे इनके कानों में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया है ये बस पीड़ा की शुरुआत है टू स्लो द बोट डाउन यानी कि बोट को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉन्ग जिप यानी कि स्ट्रॉन्ग जिप जो है पाल जो है हमने उसे ढीला ड्रॉप कर दिया नीचे कर दिया एंड लीस्ट और नीचे करके बांध दिया अ हैवी मूविंग रोप जहाज को रोकने के लिए बांधने का जो रस्सा होता है यानी कि उसको कुल मिला करके समेट करके उन्होंने क्या किया मोटे रस्से से उसे बांध दिया इन अ लूप अक्रॉस द स्ट्रेन और स्ट्रेन जो होता है यानी जहाज का जो पिछला हिस्सा है उसकी तरफ उसको लंबा करके और वहाँ पर उसे बांध दिया गया देन वी डबल्ड leash एवरीथिंग और उसके बाद जिस जिस चीज़ पे हमने गिठान लगाई थी हमने उस हर चीज़ पर दोबारा फिर से गिठान लगाया यानी कि दोबारा फिर को फिर से उसको leash किया लीच करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना यानी कि उसको फिर से बांधा गया देन वी डबल्ड द लीच एवरीथिंग जो कुछ हमारे पास था हर चीज़ को दोबारा से जोड़ा गया बांधा गया ताकि और मजबूती उसे मिले वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल और ये जो चीज़ है ये हमारी लाइफ लाइफ राफ्ट ड्रिल जो है उसके साथ में हम लोगों ने उसे बांधा अटैच लाइफ लाइन्स जिसमें हमने इसकी लाइफ लाइन्स ये इस तरह की ड्रिल्स होती है ना जो लाइफ लाइन्स इस तरह की होती हैं डंड डंड मतलब उसको इस तरीके से पूर्ण रूप से उसे किया गया ऑयल स्किन्स चिकने या जलरोधी कपड़े जो हैं वो पहने गए एंड लाइफ जैकेट्स लाइफ जैकेट तो सभी लोग जानते हैं जैसे इन्होंने पहन रखी है रेड कलर की लाइफ जैकेट जो है उसे पहना हमने एंड वेटेड और उसके बाद में हम लोग इंतज़ार करने लगे चलिए इस आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें दोबारा बांधा जा रहा है दोबारा सही तरीके से उन्हें सेटल डाउन किया जा रहा है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं चाहे वो लाइफ लाइन्स हों चाहे वो ऑयल स्किन के जो कपड़े हों वो हों यानी चिकने कपड़े जो हों जिनमें पानी नहीं जाता हो वो हो या लाइफ जैकेट्स हों इन सभी को हमने अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित किया और उसके बाद में हम लोग इंतज़ार करने लगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर यानी कि सबसे पहला हमें संकेत जो मिलता है आगे होने वाले डिज़ास्टर का या आगे होने वाले विनाश का वो लगभग छः बजे केम एट अबाउट सिक्स पी वो लगभग छः बजे हमारे पास आया हमारे सामने इस तरह की परिस्थिति शाम को छह बजे बनी जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि आगे अब कोई विनाशकारी घटना होने वाली है विथ एन ओमिनियस साइलेंस और बिल्कुल अनिष्टकारी सूचक शांति की तरह यानी कि क्या कहते हैं तूफान के आने से पहले की शांति के रूप में यानी कि जो हमें घटना होने वाली थी उसकी सूचना किस तरह से मिल रही है जैसे कि तूफान से पहले की शांति हो द विंड ड्रॉप्ड अचानक से जो हवा चल रही थी वो बंद हो गई एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क और तत्काल ही जो आसमान है वो पूरी तरीके से और गहरा या और काला हो गया देन केम अ ग्रोइंग रोर उसके बाद एक जोरदार शोर हुआ जोरदार दहाड़ हुई एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूअर्ड आफ्टर आफ्ट ऑफ द शिफ्ट उसके बाद में एंड एंड इनॉर्मस क्लाउड टूअर्ड इड आफ्ट यानी कि जो एक बड़ा या बहुत महान सा या बहुत बड़ा सा जो एक क्लाउड uh, था जो बादल था टूवर्ड इट वो बढ़ा एफ्ट ऑफ द शिप यानी कि शिप का जो पिछला हिस्सा है उसकी ओर और, और उसकी ओर बढ़ करके उससे टकराया विथ हॉरर बिल्कुल डर के साथ में बिल्कुल भय के साथ में आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बादल नहीं है बट अ वेव लाइक नो अदर लेकिन एक ऐसी बड़ी या मजबूत लहर है जैसी कि और कोई दूसरी नहीं हो सकती आई हैड नेवर सीन जो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी यानी कि जिसे वो बादल समझ रहा था वास्तविकता में वो बादल नहीं था एक बड़ी सी लहर आकर के और बोट के पीछे की तरफ टकराई इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल ये जो लहर थी ये बिल्कुल प्रॉपर सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी वर्टिकल का मतलब क्या है बिल्कुल लंबवत या सीधी खड़ी हुई थी परफेक्टली परफेक्टली मतलब आप कह सकते हो 90 डिग्री एंगल पे एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स और लगभग अब तक हमने जितनी भी वेव्स देखी थी लगभग उससे दो गुना ऊंची थी लास्ट जो हमें मेजरमेंट मिला है भैया वो पंद्रह मीटर का मिला है पंद्रह मीटर से भी अगर मैं कहूं कि दो गुना तो तीस मीटर और उसके बाद में भाई साहब का अगर ये सेंटेंस जोड़ लिया जाए अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन यानी कि मैंने आज तक जितनी लहरें देखी है ऐसी कभी नहीं देखी तो पाँच दस मीटर और बढ़ा लो यानी कि बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ी यहाँ पर लहर को बताया जा रहा है विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट और बिल्कुल भयानक तरीके से या डरावने तरीके से ब्रेकिंग क्रीस्ट यानी कि नीचे की ओर टूटते हुए क्रीस्ट की ओर टूटते हुए वो वहाँ पर जो वेव है वो दिखाई दी द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव यानी कि जो रोर है जो शोर था जो दहाड़ थी वो और ज्यादा बढ़ गई थंडर के साथ में एज द स्टर्न जैसे ही नाव का पिछला भाग मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव जैसे ही वो जो वेव थी लहर थी उसके मुँह की ओर आगे बढ़ता है उसके फेस की ओर आगे बढ़ता है एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट और एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे हम पीछे की तरफ यानी कि नाव तो आगे चल रही है लेकिन हम पीछे की तरफ इस लहर के ऊपर से होते हुए जाने वाले हैं बट देन अ ट्रमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक लेकिन उसी समय एक जबरदस्त या एक भयानक एक्सप्लोजन यानी धमाके ने डेक को डेक यानी कि जो नाव का अगला हिस्सा है उसे बुरी तरह से हिला दिया अ टोरेंट यानी पानी की एक तेज बौचार ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर जिसमें ग्रीन कलर का और वाइट कलर का वाटर दिखाई दिया ब्रोक ओवर द शिप जो कि पानी जो है शिप के अंदर घुसना शुरू हो गया था माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील यानी कि जो व्हील होती है ना बड़ी सी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कैप्टन जो होते हैं बड़ी व्हील को संभालते हैं बोर्ड्स के ऊपर शिप्स के ऊपर तो शिप के ऊपर जो बड़ी व्हील होती है जैसे ही ये हुआ और मेरा सर जा कर के सीधा क्या हुआ उस व्हील में टकराया इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट्स एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स और मैं इस बारे में जानता था या मैं इस बारे में अवेयर था कि फ्लाइंग ओवरबोर्ड्स यानी कि जो ऊपर तख्ते वगैरह लगे हुए थे मैंने उड़ने उड़ते हुए देखा और सिंकिंग बिलो द वेव्स और लहरों के नीचे डूबते हुए इस चीज़ से मैं पूरी तरीके से पहले से ही परिचित था कि किस तरीके से बोर्ड उखड़ते हैं और किस तरीके से जहाज जो हैं वो डूब जाते हैं आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डे डेथ यानी मैंने अपनी और आती हुई अपनी मृत्यु को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया था कि भाई अब नहीं बच सकते एक तो पीछे की तरफ स्टर्न है स्टर्न जो है यानी कि नाव का जो पिछला हिस्सा है वो ऐसा लग रहा है कि एक वेव के ऊपर चल रहा है यानी कि नाव पहले उल्टी जाने की संभावना बन रही है ऊपर से सफ़ेद और ग्रीन पानी जो है वो नीचे से तोड़ करके जहाज़ का निचले हिस्से को तोड़ करके अब ऊपर डेक की ओर दिखाई दे रहा है और डेक पर जो है बहुत जोर से आवाज़ आई है उसके टूटने की ये देख करके उसे ऐसा लगा कि मैं जानता हूँ अब क्या होने वाला है ठीक है ऐसा उसने अपने मन में विचार किया आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ मैंने अपनी और आती हुई अपनी मृत्यु को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया ये एक समय आता है है ना? कि जब व्यक्ति पूरी तरीके से हार जाता है ना तो हारने से जस्ट पहले वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है कि हाँ बस अब हो चुका अब मैं इस चीज़ से जीत नहीं सकता अभी जो हमारा ऑथर है हमारा जो कैप्टन है उसके साथ यही हो रहा है मरा नहीं है भी लेकिन अपनी ओर आती हुई मौत को देख करके इन परिस्थितियों को देख करके वो एक आकलन कर रहा है कि गए अब कुछ नहीं बचा ठीक है आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ मेरे और आती हुई मेरी मृत्यु को मैं स्वीकार कर चुका था एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस और जैसे जैसे मैं अपना होश खो रहा था आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल वैसे वैसे मुझे एक शांति महसूस हो रही थी ठीक है तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हम क्या है आधे बेहोशी में आने लग जाते हैं अपना होश खो देते हैं बेहोशी वाली जब कंडीशन होती है तब हमें उस बेहोशी में एक शांति महसूस होती है ठीक है उस चीज़ को बता रहा है और इसका मेन कारण जो है वो एक ये भी है कि जिस तरीके से उसका सर जो है व्हील पे इम्पैक्ट हुआ था अभी जैसे उसका सर लगा था व्हील पे उसके बाद ही वो थोड़ा सा इस तरह से सोचने लगा है कि भाई आप तो मरेंगे और अपन शांति में है कोई दिक्कत नहीं है अनएक्सपेक्टेडली अन अनुमानित यानी जिस बात का मैंने अनुमान नहीं लगाया था माई हैड पॉपड अप आउट मेरा सर जो है वो बाहर निकल पड़ा ऑफ द वॉटर उस पानी से जिससे मैं ढक गया था अ फ्यू मीटर्स अवे कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल देन अ वेव हर्ड हर अपराइट यानी कि अब यहां पर क्या स्थिति है मैं आपको बताता हूं हूँ आप देख रहे हो ये एक नाव है जो डूबने की तरफ हो रही है ठीक है अब क्या हो गया कि ये नाव धीरे धीरे अब यूं हो रही है डूबने की तरफ जा रही है अब डूबने की तरफ जाते हुए उसने क्या देखा कि अचानक से इस तरफ से एक और तेज लहर आई जिसने उस नाव को वापस सीधा कर दिया ठीक है यानी कि नाव जो है उसका जो मास्ट है वो बिल्कुल कैसा हो गया था बिल्कुल हॉरिजोंटल हो गया था ये जो है ये डंडा जो है ये नॉर्मली वर्टिकल रहता है ना खड़ा रहता है सीधा लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है यानी कि सीधा लंबवत हो जाएगा लेकिन तभी एक इधर से इधर की तरफ से एक और जोरदार एक झटका लगा एक वेव का और नाव वापस सीधी खड़ी हो गई यहाँ पर यही कहा गया है वेव वेकर वॉज नियर कैप्सिंग यानी कि पानी में उलट रही थी पानी के अंदर डूब रही थी हर मास्ट और इस बोट का जो मास्ट है जो मस्तूल है ये बड़ा वाला डंडा ऑलमोस्ट हॉरीडो हॉरिजोंटल लगभग आड़ा हो गया था तिरछा हो गया था देन अ वेव हर्ल्ड यानी कि उसके बाद में एक वेव एक तेज जो समुद्र का वेव का एक लहर का जो झटका लगा उसने उसे धकेला किधर हर यानी कि वेव वॉकर के लिए कहा जा रहा है नाव के लिए अपराइट ऊपर की ओर माई लाइफ लाइन जॉग्ड ट्रोट और मेरी लाइफ जो है वो निकल करके एकदम से बाहर आ गई आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स और उसके बाद में रक्षक का जो भाग होता है आसपास में जो रेल्स होती हैं आपने रेल्स का मतलब है हिंदी में अगर हम कहें तो अपन जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो उसके पास में रेलिंग लगी हुई होती है उस रेलिंग के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी रेल्स मेरे पास में थी मैंने उन्हें पकड़ा द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इंटू वेव वॉकर्स मेन बूम और उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में मैंने सीधा उसे सेल किया यानी उस नाव को चलाया थ्रू द एयर हवा में से होते हुए वे, वे वेकर्स मेन बूम यानी कि अपने मुख्य या प्रमुख लट्ठे की ओर, यानी उस तरफ उसको झुकाने की कोशिश की जिधर से वो वापस नाव और सीधी होने में उसे सपोर्ट मिल सके लंबा लट्ठा जिसे जिससे बादबान का निचला हिस्सा फैलाए रखा जाता है बादबान वही है जिसे हम लोगों ने इस नाम से जाना था पाल जो होता है ठीक है जिप जो होता है उसका बारे में कहा जा रहा है उसके नीचे वाला जो लकड़ा है उसकी तरफ मैंने उसे बढ़ाया सबसे क्विंट वेब्स टॉस्ट मी अराउंड लाइक अ डॉल और उसके बाद उसके जस्ट बाद में जो और वेव आई उसके जस्ट बाद में जो और लहर आई उसने मुझे उछाल दिया टोस्ट कर दिया अराउंड द डेक उस डेक के डेक का मतलब ये समझ लो कि जो अपनी नाव है या जो अपनी बोट है उसका आग, अगला वाला हिस्सा आगामी हिस्सा इसको बोलते हैं ना तो अगला वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है डेक ठीक है तो डेक के ऊपर उसने मुझे जो पानी की जो अगली लहर थी उसने मुझे इतना जोर से डेक के ऊपर उठा के पटका जैसे मैं कोई काग आ, कपड़े की गुड़िया हूँ यानी कि रेक डॉल जैसे अपन उठा के पटक देते हैं ना वैसे माई लेफ्ट रिप्स क्रैकड और मेरी बाई पसलियाँ जो है वो उससे क्रैक की आवाज़ आई यानी कि वो टूट गई माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड और मेरा मुंह जो है वो खून से भर गया था एंड ब्रोकन टीथ और मेरे दांत टूट गए थे सम हाउ आई फाउंड द व्हील जैसे तैसे वापस उठ करके मैंने अपने व्हील को ढूंढा अपने व्हील को पकड़ा कौन सा व्हील जिससे पूरी नाव को संभाला जाता है लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव और सीधा किया अगले इंपैक्ट की तैयारी के लिए स्टर्न बताया था अभी अगला हिस्सा डेक और नाव का पिछला हिस्सा स्टर्न ठीक है तो स्टर्न को मैंने वापस से सीधा किया ताकि अगली जो वेव आने वाली है उसके लिए मैं अपनी बोट को तैयार कर सकूं एंड हैंग ऑन और मैं बस वहां पर उसको सीधा करके उसका अगली जो इंपैक्ट पड़ने वाला था या अगली जो वेव आने वाली थी मैं बस उसका इंतजार करने लगा यहां पर अभी अभी क्या हुआ कि उसने अपनी नाव सीधी की टेढ़ी हो गई थी टेढ़ी होने के बाद में एक लहर आई लहर आने के बाद उसने अपने नाव को सीधा किया सीधा करने के बाद में उसने जहाँ पर अपन पाल को बांधते हैं उस पाल को बांधने वाला जो डंडा होता है उसे सही किया उसे सही करने के बाद में एक तेज लहर आई जिसने उसे उठा करके और डेक पे पटका इतना जोर से पटका कि उसकी पसलियाँ टूट गई उसके मुंह से खून आने लगा उसके दांत टूट गए उसके बाद में जैसे तैसे वापस वहाँ से खड़ा हुआ खड़ा होकर वापस अपने व्हील के पास आता है अपने व्हील को कसकर पकड़ता है स्टर्न को सीधा रखने की कोशिश करता है ताकि अगली जो वेव आने वाली है उसके लिए अपनी नाव को तैयार कर सके और वहीं पर क्या करने लगा हंग ऑन वहीं पर वो उसका वेट करने लगा उसी स्थिति में उसने अपनी नाव को सीधा का सीधा रखा वॉटर वॉटर एवरीवेयर पानी ही पानी था चारों तरफ आई कुड फील दैट द शिप हैड वॉटर बिलो यानी कि मैं ये महसूस कर सकता था कि मेरा जो जहाज है वो पानी के नीचे जा चुका है बट आई dared नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट लेकिन मेरे में इतना साहस नहीं था मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस व्हील को छोड़कर चला जाऊँ पता लगाने के लिए कि भाई कितना नुकसान हुआ है या अभी तक कहाँ कहाँ से पानी भर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना तो चाहता था लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जो व्हील है उसे छोड़ करके इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाऊं सडनली द फ्रंट हैच यानी फर्श में बना हुआ द्वार अब देखो हैच पता है क्या होता है जब नाव जो है वो इस तरीके से उसका साइज अच्छा होता है ना जैसे कि ये ये नाव है ठीक है अब इसका साइज जैसे बहुत अच्छा है एक तो जैसे अपन बोट की बात करते हैं तो बोट के अंदर तो क्या है नीचे पतला होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इतनी थिकनेस होती है उससे ज़्यादा तो होती नहीं है उसमें लेकिन जब हम बात करते हैं शिप्स की तो शिप के अंदर ये जो एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा होता है ठीक है इतना ज़्यादा होता है कि कई बार तो इसके अंदर अपने जैसे दो लोग तीन लोग एक के ऊपर एक आराम से खड़े हो सकते हैं यानी कि पंद्रह बीस फिट का तो होता ही होता है तो जब मेन डेक से वहाँ जाना होता है ना तो मेन डेक पे एक डोर लगा हुआ होता है एक दरवाज़ा होता है ठीक है उस दरवाजे को ऐसे उठा करके और नीचे की तरफ जाया जाता है जैसे कि तहखाने में हम लोग जाते हैं ठीक है, है ना ज़मीन के अंदर अगर कोई तहखाना बना होगा और उस पर डोर होगा तो कैसा होगा बस वही जो चीज़ है उसे हैच कहा जाता है ठीक है यानी कि फर्श में बना हुआ एक दरवाजा जिससे नीचे की ओर जाया जाता है द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन वो झटके से खुल गया एंड मैरी अपियर्ड और मुझे वहाँ अपनी पत्नी मैरी दिखाई दी वी आर सिंकिंग हम डूब रहे हैं शी स्क्रीम्ड उसने चीख कर बताया द डेक्स आर स्मैश्ड वी आर फुल ऑफ वाटर यानी कि डेक जो है हमारे शिप का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और वी आर फुल ऑफ वाटर हम पानी से भर गए हैं चारों तरफ बस पानी ही पानी है ऐसा उसका उसकी पत्नी जो है उसे बताती है टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रम्बल फॉर द हैच आकर के यहाँ पर क्या करो इस व्हील को पकड़ो यानी कि जो व्हील उसने पकड़ रखा था जिसके लिए वो कह रहा था कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही भैया इसको छोड़ के जाऊँ क्योंकि वो इतना कुछ देख चुका था इतनी उठा पटक देख चुका था अपने नाव की अपने शिप की कि वो अब उसको छोड़ कर नहीं जाना चाहता था वो क्या चाहता था कि भाई इसको आकर के कोई पकड़ ले इसको कोई स्टेबल रख ले इसको तो मैं जा के एक बार देखूँ वो क्या रहा है तो टेक द व्हील वो अपनी पत्नी को बुलाकर क्या कहता है आई शाउटेड एज आई Scrambled फॉर द हैच जैसे ही मैं हेज को पकड़ने के लिए दौड़ा उस दरवाजे को पकड़ने के लिए दौड़ा चिल्लाते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा टेक द व्हील आकर के यहाँ व्हील पकड़ो Larry एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मेडमैन और लैरी और हेम्प जो है वो पंप कर रहे थे यानी कि पंप से एक ऐसा औजार होता है मशीन जैसा जिससे हम लोग क्या करते हैं बोट में पानी भर जाता है तो उससे पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं ठीक है थीके? तो उसको पंपिंग कहा जा रहा है यहाँ पे तो वो पंपिंग कर रहे थे ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स और टूटी हुई लकड़ियाँ जो है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी तरीके से टगी हुई थी द होल स्टार बोट साइट बगल्ड और पूरा का पूरा स्टार बोट साइट जो है वो उठ चुका था अंदर की तरफ ठीक है जो बाहर की तरफ होती है ना नॉर्मली लकड़ियाँ वो अब घूम करके टूट के अंदर की ओर मुड़ गई थी क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट ट्स एंड टॉयज श्लॉज अबाउट इन द डीप वाटर अब जब ये हेज के नीचे जा करके देख रहा है तो यहाँ पर ये क्या देख रहा है कि सारी लकड़ियाँ वगैरह टूट गई हैं टेढ़ी मेढ़ी हो रखी हैं सारे के सारे स्टार बोर्ड जो हैं जो बाहर की तो होने चाहिए थे वो अंदर की ओर मुड़े हुए हैं कपड़े बिखरे हुए हैं क्रॉकरी मतलब जो भी खाने पीने का सामान के लिए जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को क्रॉकरी कहा जाता है चार्ट्स बिखरे हुए हैं टिन जो है वो सारे बिखरे हुए हैं टॉयज जो हैं ये सब इधर उधर बह रहे हैं कहाँ पर डीप वाटर में यानी कि पानी के अंदर ये सारी चीजें डूब चुकी है अब तक हम लोगों ने गाइस जो देखा था वो जो दृश्य था वो केवल नाव के शिप के ऊपरी हिस्से को दर्शा रहा था केवल एक और केवल ऊपरी हिस्से को दर्शा रहा था अब हम कहाँ पर आ गए हैं देखने के लिए क्योंकि अब ऑथर जो है वो खुद हैज के नीचे है तो हम लोग भी वहीं पर हैं और हेज के नीचे आकर के हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे हो रही है आई हाफ स्वाम मैं आधा तैरा थोड़ा चल पा रहा था हाफ क्राउल्ड थोड़ा सा रेंगा इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन और बच्चों के कैबिन में बच्चों के छोटे कमरे में मैं वहाँ गया आर यू ऑल राइट आई आस्क मैंने पूछा क्या तुम सब सही हो यस yes, हाँ दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक उन्होंने एक अपर बंक से आवाज़ देते हुए कहा या जवाब देते हुए कहा देखोग बंक किस तरीके के होते हैं है ना ट्रिपल स्टोरी भी होते हैं डबल स्टोरी भी होते हैं यानी कि एक बेड यहाँ एक बेड यहाँ एक बेड यहाँ साइड में इनकी सीढ़ियाँ होती हैं तो अब जब नाव का निचला हिस्सा अगर डूब रहा है तो बच्चे कहां बैठे होंगे सबसे ऊपर वाली पोजीशन के अंदर तो वो यहां पे भी यही था कि वो सबसे ऊपर वाली पोजीशन में बैठे हुए थे यस दे आंसर फ्रॉम अपर बंक बट माई हेड हर्ट्स अब बिट लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है सेड सू सू ने कहा पॉइंटिंग टू अ बिग बंप हर आइज उसकी आंखों के ऊपर जो हल्का सा सूजन थी उसे दिखाते हुए उसने कहा आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट bumped head. लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं था कि इस तरह की जो छोटी मोटी चोटें हैं जैसे उसके सर पे चोट लग गई है आँख के ऊपर हल्की सी सूजन आ रही है तो मैं इन चीज़ों की परवाह करूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लगा हुआ था सबको जिंदा रखने में क्योंकि अगर ये बोट ये अगर शिप डूब जाता है तो हम सभी लोग मर जाएंगे तो उस तो फिर बम्प हेड और इन सब के बारे में सोचने का मेरे पास उस समय समय नहीं था मैं उस बारे में विचार नहीं कर पा रहा था आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर एक हथौड़ा स्क्रूज पेचकस एंड कैनवास एक मोटा कपड़ा ये सब ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक टू ऑन डेक मैं वापस संघर्ष करते हुए डेक पर यानी कि जहाँ पर व्हील लगा हुआ था वहां पर वापस गया विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन जहाँ पर स्टार बोर्ड जो है वो साइड से टूट गया था और खुल गया था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस और वहाँ से जितनी भी लहरें हमारे ऊपर आ रही थी हर बार हर लहर के साथ पानी और ज़्यादा अंदर आए जा रहा था इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स अगर मैं वहाँ पर सुधार नहीं पाता यानी कि जो साइड वाली जो दीवारें थी या साइड वाली जो लकड़ी थी अगर मैं उसे बंद नहीं कर पाता तो फिर वी वुड सिंक यानी कि हम निश्चित तौर पर डूबते अगर नाव साइड में से टूट गई है इस तरफ से टूट गई है और अगर आप इस जगह को रिपेयर नहीं कर सकते और इस जगह से अंदर आने वाले पानी को नहीं रोक पा रहे हो आपकी मर्जी पड़े जितना पानी बाहर निकालो आपकी मर्जी पड़े जितनी पंपिंग करो आप अपनी नाव को डूबने से नहीं बचा सकते और ख़ास करके ऐसी स्थिति में जब आपका पूरा परिवार उस नाव पे हो तो जो प्रेशर यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि बच्चे के सर पे चोट लग गई आंख पे सूजन आ गई कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे संभाल लेंगे बाद में लेकिन अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टार बोर्ड साइड जो है जो बैश हो गया है जो टूट करके पूरी तरीके से खुल गया है ठीक है उसे बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो हम निश्चित तौर पर डूबने वाले हैं सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास किसी तरीके से प्रयास करके मैंने कैनवास जो कपड़ा था उसे फैलाया एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच और मैंने सिक्योर किया वाटरप्रूफ हैच को यानी कि जो हैच था उसमें पानी जाने से रोका कवर क्रॉस द गैपिंग होल्स यानी कि उसके आसपास जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े होल हो गए थे उन पे उस कपड़े को बिछा करके उसमें पानी जाने से रोका सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड यानी कि थोड़ा बहुत पानी जो है रिस्के अभी भी उन छेदों में से नीचे जा रहा था लेकिन अधिकांश पानी जो था ज़्यादातर पानी जो था वो वहां से दूसरी दिशा की ओर बह जा रहा था यानी कि हल्का फुल्का लीकेज हो रहा था लेकिन मैक्सिमम वाटर ज़्यादातर पानी जो है वो दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो रहा था रिफ्लेक्ट हो रहा था ओवर द साइड दूसरी दिशा में नेक्स्ट क्या कहता है मोर प्रॉब्लम अरोज वेन आर हैंड पंप्स स्टार्ट टू ब्लॉकअप विद द डेब्रीज और अधिक जो समस्याएं हैं वे उत्पन्न होना शुरू हो गई जब हमारे हैंडपम्प जो हैं यानी कि हाथ से हम जो पंप करके और निकालने की कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द पानी को बाहर स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डरबीज यानी टूटा फूटा कूड़ा कर कर जो है वो उसके अंदर फंस रहा था अब देखो प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को समझो मेरे पास एक हैंडपम्प है जिससे मैं हाथ से पंप कर कर के और क्या कर रहा हूँ कि जितना भी पानी बोट में आ गया है उससे बाहर निकाल रहा हूँ शिप में जितना पानी आ गया उसको बाहर निकाल रहा हूँ शिप के अंदर से क्या हालत है टूट फूट गया है पूरा ठीक है क्रॉकरी बिखर गई कपड़े लत्ते आपके खिलौने वगैरह सब आ रहे हैं अब जैसे ही मैं उसे दबा रहा हूं तो नीचे से पानी आ रहा है पानी कहाँ से आ रहा है बोट में से या शिप में से शिप में जो सामान टूटा फूटा है वो जा करके क्या हुआ पंप में फंस गया पंप में फंस गया तो उससे क्या हो गया पंप ब्लॉक हो गया अब मैं पानी बाहर नहीं निकाल पा रहा दैट्स द प्रैक्टिकल सिचुएशन ठीक है डेबरीज दे, यानी टूटा फूटा जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग अराउंड जो आसपास में तैर रहा था कचरा उससे वो ब्लॉक हो गया द कैबिंस कैबिन्स में एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड और इलेक्ट्रिक पंप जो बिजली से चलने वाला जो पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें आग लग गई द वॉटर लेवल रोज थ्रेटिंग निकल गई यानी कि डरा देने वाले तरीके से या चुनौतीपूर्ण ढंग से वैसे थ्रेटन का मतलब होता है भयानक तरीके से डरना या डराना तो डरा देने वाले तरीके से पानी का स्तर जो है वो बढ़ने लगा बैक ऑन डेक वापस बैक पर डेक पर आया आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेस्ट ओवर बोर्ड यानी कि जो हमारे बाकी के बचे हुए जो दो पम्प थे वो पूरी तरीके से भीग कर खराब हो चुके हैं ओवरबोर्ड और जाकर के बोर्ड से समुन्द्र में गिर चुके थे अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल और उसके आगे जो बड़ा वाला जो हमारा मस्तूर लगा हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है दिप वो एंड द डिगीज एंड द मेन एंकर और क्या क्या चीजें गिर चुकी थी सेल गिर चुका था पाल गिर चुका था छोटी नावें जो उसके साथ में लगी होती है लाइफ बोट जो है वो गिर चुकी थी और मेन एंकर जो मुख्य लंगर जो है वो भी समुद्र की ओर गिर चुका था देखो एंकर कुछ ऐसा होता है इस तरीके का होता है समुद्र को रोक आ, समुद्र में जब नाव चल रही होती है तो उसे रोकने के काम में आता है शिप को रोकने के काम में आता है नेक्स्ट क्या है देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्टरूम फ्लोर चार्ट रूम फ्लोर के नीचे आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप और मैंने इसे एक आउट पाइप से कनेक्ट कर रखा था एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क और ये जान करके या जब मुझे पता लगा कि ये अभी भी ठीक से काम कर रहा है मेरे मन से ये निकला भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी भी काम कर रहा है ये देख करके मैं भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हुआ चलिए गाइस आगे देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ द नाइट ड्रैगड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग यानी कि अब रात जो है हम पूरी रात भर सहते रहे सहन करते रहे विद द एंडलेस यानी कि अनंत रूप से हमें क्या हो रहा था बिटरली कोल्ड रूटीन यानी कि अब पंपिंग करने की एक एक की बारी थी यानी एक के बाद एक को जाकर के पंपिंग का काम पूरी रात भर करना पड़ा और उस पानी में हमें क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी महीना कौन सा है जनवरी पानी में भीगे हुए बोट से पानी बाहर निकालने का शिप से पानी बाहर निकालने का आप लोग काम कर रहे हैं तो रात भर की स्थिति एक आदमी तो उससे तो होगा नहीं बारी बारी से कर रहे थे चार लोग थे ना चारों बारी बारी से कर रहे थे और उसमें बिटरली कोल्ड रूटीन के अंदर हम लोग पूरी रात उसे सहते रहे स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो कोई स्टीयरिंग कर रहा था स्टीयरिंग का मतलब होता है नाव को आगे बढ़ाना यानी कि और आगे उससे तूफान से निकलने की कोशिश करना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वर्किंग द रेडियोज और रेडियो को चालू करने की या रेडियो से कोई मदद मंगाने की कोशिश कर रहे थे वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मेडे कॉल्स हमें किसी भी तरह का कोई रिप्लाई या कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था हमारे मेडे कॉल्स पे अब देखो मेडे जो है वो एक इस तरह का शब्द है जब भी शिप पर और शिप पर नहीं तो एयरवेज के अंदर यानी कि हवाई जहाज के अंदर कोई भी ऐसी परेशानी हो जाती है जो बहुत गंभीर हो जिसमें लोगों की जान जा सकती है तो जो उस समय जो मदद के लिए पुकार लगाई जाती है मेन टावर से वो टावर से आवाज़ लगाई जाती है मेडे मेडे का मतलब होता है हमारी मदद करो या हेल्पस उसका मतलब होता है ठीक है तो खास करके हवाई जहाज़ में भी अगर आप देखेंगे तो भी अगर पायलट के सब कुछ बाहर हो गया कंट्रोल के तो वो मेडे मेडे आवाज़ देगा और यहाँ पर ये लोग भी जो हैं शिप कैप्टन है ये भी मेडे की कॉल कर रहे थे लेकिन कोई जवाब उनकी इन कॉल्स पर इस पुकार पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था रेडियो पे विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जो कि सरप्राइजिंग नहीं था आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि हम लोग संसार के इतने दूरस्थ कोने के अंदर फंसे हुए थे कि वहाँ पर कोई था ही नहीं जो हमारी मदद कर सके यानी हम लोग जहाँ पर वर्ल्ड रहता है जहाँ संसार रहता है उससे बहुत दूर जा कर के किसी कोने में जाकर के फंसे हुए थे जहाँ पर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था शूज हेड हेड स्वॉलन अलार्मिंगली अब सूखे जो लगी थी ना आँख के ऊपर चोट सूजन आ रही थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका सर जो है बहुत ही चिंताजनक तरीके से सूझ गया था यानी इतना ज़्यादा सूझ गया था कि अब हमें उसकी चिंता हो रही थी शी हैड टू एनरमस ब्लैक आइज उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी काली हो गई थी एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म और अब उसने हमें एक गहरा जो कट है वो भी अपने हाथ पर दिखाया था कि उसके हाथ भी उसका कट गया था वन आई आस्ट वाई शी हैडेंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी रिप्लाइज आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा अगर चोट लगी थी तो तुमने बताया क्यों नहीं अगर इतनी ज़्यादा ही चोट लगी है कि तुम्हारी दोनों आँखों में दिक्कत हो रही है सर सूझ गया है हाथ के पे कट लग गया है तुमने बताया क्यों नहीं तो उसने जवाब दिया आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू मैं आपको चिंतित या परेशान नहीं करना चाहती थी वेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल जब आप हम सब की जान बचाने की हम सबकी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसे क्रूशल समय में मैं आपको और ज़्यादा चिंताएं या और ज़्यादा वरीज परेशानियां नहीं देना चाहती थी ऐसा वो बताती है ठीक है गाइस तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो आज हम लोगों ने कवर किया है और इस पार्ट के अंदर बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि परिवार जो है वो किस तरीके से एक यात्रा पर जाता है यात्रा पर जाने के बाद समुद्र में किस तरह की मुश्किलें परेशानियां चिंता और उनसे घिर जाता है बोट जो है शिप जो है उस शिप के अलग अलग भाग किस तरीके से टूटते हैं किस तरीके से उसमें पानी भी भरने लग जाता है किस तरीके से ऑथर को भी चोट आती है उसकी डॉटर को भी चोट आती है और किस तरीके से वो इन सबसे जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं या जैसे तैसे खुद को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब गाइज आज के चैप्टर में हम लोग देखा अगला जो पार्ट है उसके अंदर हम इसका सेकेंड हाफ देखेंगे कि किस तरीके से परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं या कम होती हैं और किस तरीके से ये लोग इस परेशानी से बाहर निकल भी पाते हैं या नहीं निकल पाते है? उस बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थैंक यू सी यू बाय